हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो लास्ट कुछ डेज से आप लोगों के मुझे कॉन्टिन्यूअसली मैसेज आ रहे हैं रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग इग्नू एमए सोशियोलॉजी एग्जाम, बी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट। देखिए, आई एम नॉट मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल द सब्जेक्ट, मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं। बिकॉज अभी मैं आप लोगों के साथ चार वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं और टॉपिक्स टू बी कवर्ड बताऊं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप लोग चैनल प्लेलिस्ट विजिट करोगे या चैनल पे सीधा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अपना सब्जेक्ट डालोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो अगर आप डालेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एमएसओ 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एमएसओ 2, या फिर सेकंड ईयर में एमएसओ 1, एमपीएस 3, एमपीएस 16, एमएसओ 4, इस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट कोड डाल के चैनल का नेम डाल देंगे, देन यू विल गेट द लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे मैंने हर एग्जाम से पहले बहुत सारा जो आपका क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन की लिस्ट मैंने प्रोवाइड की हुई है, जो दो इस ईयर की दो बार ऑलरेडी चैनल पे लिस्ट अवेलेबल है, यू कैन चेक दैट। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार 6-6 महीने में नहीं चेंज होते हैं। ऐसा नहीं होता 6 महीने में बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन आने का चांस हो जाएगा और मैं बिल्कुल डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर पाऊंगी। ये जो प्रिडिक्शन होती है दैट इज नॉट की भविष्यवाणी है और ये मैंने बस रेंडमली क्वेश्चन पिक कर लिया है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अ डीप एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं कैसे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, द ट्रेंड की कौन से टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है, और उसको फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में इंक्लूड करती हूँ। तो जो मैंने प्रीवियस एग्जाम के लिए आप लोगों को लिस्ट दी थी, जो जून में एग्जाम हुए हैं उसके लिए जो लिस्ट आप लोगों को मिली थी, गाइस दैट लिस्ट इज ऑल्सो वैलिड और इम्पोर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, फरवरी वाले एग्जाम में भी मैंने बनाया था, जून में भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया था, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है हाउ यू कैन लुक फॉर दैट, आप कैसे वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का यू विल गेट अ लिस्ट, 15-20 क्वेश्चन मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होंगे, 15-18 टॉपिक्स या क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल होंगे जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं। तो अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, सीधा आप देखिए जो भी आप इग्नू की बुक्स अपना एक्स्ट्रा जो भी बुक फॉलो कर रहे हो आप वो टॉपिक वहां से कवर कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ एंड इफ यू आर फॉलोइंग माय चैनल और एनी ऑफ द चैनल, तो वहां की डिटेल आपको वहां मिलेंगी। बट इफ यू आर फॉलोइंग माय चैनल तो आप देखोगे कि चैनल का जो बेसिक होम पेज, मतलब एक पेज होता है, वहां पे एक ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है प्लेलिस्ट पे। आप जब प्लेलिस्ट पे जाओगे तो हर सब्जेक्ट में, देखिए मोस्टली क्योंकि सारे सब्जेक्ट में मैं डिटेल कंप्लीट लेक्चर इग्नू की बुक से नहीं बना पाई हूँ, आपको भी पता है कि मैं डायरेक्ट बुक का पीडीएफ आप लोगों के साथ नहीं शेयर करके पढ़ती हूँ, मैं उसके नोट्स के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, तो मैं नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे जितने लेक्चर उसमें ऐड कर पाऊँ। बट चैनल की प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, जिसमें ऑन एन एवरेज 15-18 से 21 क्वेश्चन तक भी इंक्लूड है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट का आप लोग सर्च कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है, यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपको वहां लिखा मिल जाएगा, और एक प्लेलिस्ट होगी कंप्लीट लेक्चर की और एक होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट एमएसओ 1, एमएसओ 1 में मैंने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कंप्लीट कराई है एंड यूनिट 4 स्टार्ट करी थी, कुछ लेक्चर हुए थे, तो भाई डिटेल में पढ़ना है तो 3 यूनिट वो पढ़ लो और बाकी तो प्लेलिस्ट में 15-18 क्वेश्चन है ही, विद नोट्स है, समझाए हुए हैं डिटेल में, तो आई होप दैट विल हेल्प यू। और जो बाकी बच्चों ने प्रीवियस ईयर एग्जाम दिए हैं उनके कमेंट से, उनके रिस्पॉन्स से ही मैं आपसे कह सकती हूँ कि यस, ये बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, जो प्रीवियस बच्चों का आप लोग, यू गाइस कैन वॉच द कमेंट, आप लोग कमेंट भी देख सकते हो उसके बाद ही, बिकॉज आप कोई चीज परचेज करते हो रिव्यू चेक करते हो ना पहले, देन ओनली मतलब आप भरोसा कर पाते हो उस चीज पे। तो फर्स्ट भी वीडियो देखने से पहले हैव अ लुक ऑफ द कमेंट, कमेंट की लुक देखिए एंड देन यू विल वॉच द वीडियो, फ्रूटफुल लगे तो आगे देखिएगा, नहीं लगे तो एक वीडियो के बाद आप स्टॉप करके कोई और सोर्स, कोई और चैनल, बुक्स, कुछ भी फॉलो आप लोग कर सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, ये छोटी सी कोशिश है, देखिए आई वॉन्ट की, बिकॉज इग्नू में मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व करी कि बच्चे को प्रॉब्लम आती है, इतने बड़े हम है कि हम ऑलरेडी वर्किंग है, घर में एंगेज है, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं इस टाइम पे, वो छोटी क्लासेस नहीं है, यहाँ सेल्फ स्टडी वाला पैटर्न चाहिए, बट क्योंकि शुरू से आदत नहीं होती है, यहाँ पे आके बिजी हो गए हैं इतना ज्यादा कि बुक पढ़ने में, इग्नू की वो इतनी इतनी 3-4 बुक पढ़ने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, बट स्टिल कुछ लोगों को ये है, नाम के लिए भी तो डिग्री चाहिए यार, आगे कुछ जॉब लेनी है, पोस्ट लेनी है, तो मास्टर रिक्वायर्ड है, तो वहां के लिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आई एम ट्राइंग की इग्नू वाले स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए भी कुछ एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए वेयर दे कैन गेट द कंप्लीट असिस्टेंस।
आई एम नो वन टू टेल यू अबाउट, यही क्वेश्चन आएंगे, बट येस दिस विल हेल्प यू इन प्रैक्टिसिंग और इसमें से आपके काफी सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो जो आपको 10 में से 5 क्वेश्चन, 10 आते हैं टोटल यार, उसमें भी चॉइस मिलती है 5 करने की, तो इतना प्रिपेयर कर जाओगे तो चांसेस है ना 5 क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, टाइम प्रॉब्लम नहीं रहता यार, अगर आता होगा तो बहुत 3 घंटे बहुत होते हैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। टाइम वहां पे हिंड्रेंस नहीं रहता कि मुझे तो आते थे यार, मैं 3 ही कर पाया, 2 नहीं कर पाया। बेवकूफी है आप लोगों की, स्पीड शुरू से बढ़ाना, ऐसी गलती मत करना अगर ये आंसर आप लोग देने का सोच रहे हो तो। 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मार्क्स आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकती कि एग्जामिनर किस तरीके से दे रहा है। चेकिंग जो होती है ना वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। तो जो लोग ये वीडियो बनाते हैं कैसे मार्क्स मिलते हैं, ज्यादा मार्क्स लेने का कोई तरीका नहीं है, अच्छा कंटेंट डिलीवर करना इज द वे। राइटिंग अच्छी कर सकते हो यस समटाइम, बिकॉज हम नहीं कह सकते हर एग्जामिनर एक एक वर्ड आपका पढ़ रहा होगा, थोड़ा राइटिंग अब इतने बड़े लेवल पे आके इम्प्रूव तो नहीं कर सकते हो आप, राइट? तो ट्राई टू राइट द वर्ड इन अ क्लियर कट मैनर में लिखिए। हेडिंग थोड़ी सी अच्छे से लिखिए, हेडिंग और उसमें डिफरेंशिएशन रहना चाहिए। थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज की बात कीजिए जो आंसर पॉइंट में हो सकता है, ट्राई टू राइट डाउन द पॉइंट। एक कंक्लूजन अपने आंसर के साथ लास्ट में छोड़िए। दीज आर द स्मॉल वे टू गेट द गुड मार्क्स। बाकी जो बड़ी बड़ी वीडियो बना के आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि इस सब्जेक्ट में कैसे अच्छे मार्क्स लें, इग्नू में कैसे अच्छे मार्क्स लें, आई थिंक ये तो मतलब टाइम वेस्ट वाली बात है। 15 मिनट में उतने में आप अपना एक क्वेश्चन कवर कर लीजिए, बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू गेट द गुड मार्क्स। प्लस कंटेंट पे भी फोकस रखो यार, आगे कुछ भी करना है एमए के बाद तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि जो बच्चे रेगुलर पढ़ के गए हैं, जिन्होंने अच्छे यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई की, ऑब्वियस बात है अच्छे लेक्चरर से उन्हें कोचिंग मिली है, एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज उनके पास है जो हमारे पास नहीं है, बिकॉज हम ना कॉलेज जा रहे हैं, हम लास्ट में इस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो दैट्स व्हाई मैं पैरेलली कंप्लीट लेक्चर की सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर रखी है, कोशिश करती हूँ जैसे भी मैनेज हो पाए उन लेक्चर में भी वीडियो ऐड करती रहूं। बिकॉज अगर आप आगे आप पीएचडी प्लान करेंगे तो नेट का एग्जाम देना है, एमए की नॉलेज नहीं है, तो वो सब चीजें बिल्कुल बेसलेस हो जाती है। ठीक है, तो आई होप इस कोशिश में आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। वीडियो बनाने से अच्छा है ये जो वीडियो है, मैं इन्हीं प्लेलिस्ट में और वीडियोज एड करूंगी इस अपकमिंग टाइम में, मैं और वीडियोज इन प्लेलिस्ट में एड कर दूंगी, तो वो ऑलरेडी टॉपिक्स कंटेंट बढ़ जाएगा, सो आप लोग वहां से उसको कवर कर सकते हैं। स्टिल कोई डाउट है, अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, आप यहाँ पे कमेंट कीजिए। ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम एजुकेशन हॉटस्पॉट पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं कोशिश करती हूँ और करती हूँ, कोशिश नहीं मतलब सबके ही मैं वहां पे रिप्लाई, आप लोगों का जो भी डाउट रहता है आई ट्राई टू क्लियर दैट डाउट। कोई पर्सनल आप पढ़ रहे हो किसी लाइन में किसी पैराग्राफ में भी डाउट आया, जस्ट क्लिक द पिक्चर एंड सेंड इट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, आई ट्राई की मैं ऑडियो फॉर्मेट में वो पैराग्राफ वो वर्ड आप लोगों को क्लियर कर पाऊँ। इतना ही मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कर सकती हूँ, बट विदाउट योर हेल्प आई कैन नॉट हेल्प यू, मतलब आप अगर मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। सो प्लीज जो भी डाउट है, जो भी आप यू वांट मी टू कवर सर्टेन क्वेश्चन समथिंग व्हाटएवर, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो पसंद आई हो, एंड में बोलती हूँ, ज्यादा नहीं बोलती हूँ ये बातें, बिकॉज मुझे लगता है अगर फायदे की लगेगी तो आप लोग खुद ही ये काम करके चलते हो, बोलना बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट स्टिल इनकेस यू लाइक द वीडियो, बेनिफिशियल लग रही है चीजें, यू वॉन्ट मी कि मैं और फ्यूचर में इस तरीके से सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग आप लोगों को और हेल्प असिस्टेंस दे पाऊं, डू लाइक द वीडियो। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी प्लीज करके जाइएगा, और शेयर करना है सिर्फ उन लोगों को जो सोशियोलॉजी या चैनल पे जो भी कंटेंट आ रहा है उस बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। अननेसेसरी अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करने को नहीं बोलूंगी, कोई लॉजिक नहीं होता है उस चीज का, बिल्कुल आप करते भी नहीं हो पहली बात तो, क्योंकि अब जब हम कुछ यूट्यूब पे फॉलो करते हैं कोई बोलता है तो हम भी नहीं करते हैं, बिकॉज उनके फायदे की चीज नहीं है ना, राइट? तो ये तो एजुकेशनल चैनल है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जो एजुकेशन से कनेक्टेड है वही पहुंचते हैं और एक फेयर तरीके से रीच बढ़ती है। इस चैनल पे ये नहीं है रैंडमली कोई भी देख रहा है, टाइम पास के लिए देख रहा है, कुछ भी कंटेंट आ रहा है, सो एवरीबडी कैन वॉच दिस वीडियो, नहीं होता है ऐसा। लिमिटेड स्टूडेंट हु नीड दिस वीडियो वो इसको देखते हैं और वही एंड तक देखते हैं, दैट्स व्हाई मैं एंड में ही आपसे ये सब बातें कर रही हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अगली वीडियोस में और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम टॉपिक को कवर करेंगे, और आपको जो भी डाउट है आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।